एक समय पर मंगल ग्रह पर भी पानी हुआ करता था। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह को देखने का नजरिया बदल दिया है। 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर नाम का एक स्पेस रोवर मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा था और तब उसकी मदद से यह पाया गया कि मंगल ग्रह पर एक समय में बहुत भारी मात्रा में पानी पाया जाता था। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये समय लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल पहले का समय था, यानी कि जब पृथ्वी अपनी आबादी की तरफ बढ़ रही थी, मंगल अपनी मैग्नेटिक पुल को खो रहा था और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतिहास की बातें आज की तारीख में जरूरी कैसे बन गई हैं? दरअसल इसी इतिहास के आधार पर वैज्ञानिक अब मंगल ग्रह पर टेराफॉर्म मेथड के जरिए एक नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मंगल का पानी तो अब सूख चुका है, ऐसे में क्या ये सच में संभव है? क्या सच में मंगल ग्रह को एक नई पृथ्वी के रूप में बदला जा सकता है? अगर जानना चाहते हैं सवाल का जवाब तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आप कुछ ऐसा जानने जा रहे हैं जिसे समझने के बाद आपका भविष्य को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस पूरे आइडिया की शुरुआत होती है साल 1942 से। आप सोच रहे होंगे कि जरूर साल 1942 में कोई जरूरी रिसर्च हुई होगी या फिर कोई ऐसी डिस्कवरी हुई होगी जिसने वैज्ञानिकों को देखने का नजरिया बदल दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साल 1942 में कहानियों की एक सीरीज पब्लिश होने शुरू हुई थी जिसका नाम था सेटे सीरीज। इस सीरीज को लिख रहे थे जैक विलियमसन। अब सीधा इस सीरीज के प्लॉट की बात कर लेते हैं। इसकी कहानी सेटअप होती है 22वीं सदी में, जहां सब कुछ बर्बाद हो रहा है और पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रह गई। अब पृथ्वी के लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो किसी भी तरह से खुद को बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं, और यहां वो टेराफॉर्म प्रोसेस का यूज करते हैं, तो यहां से टेराफॉर्म का आइडिया जनरेट होता है। वैसे तो रियलिटी हमेशा फिक्शन को इंस्पायर करती है, लेकिन यहां फिक्शन ने रियलिटी को इंस्पायर किया है। इस कहानी में टेराफॉर्म के जिस तरीके का यूज किया जाता है वो तरीका किसी भी ग्रह के एटमोस्फेयर को पूरी तरह से बदल देता है, जिसके बाद आप वहाँ पृथ्वी की तरह ही पेड़ पौधे लगा सकते हैं और आखिर में नेचर को एस्टेब्लिश करने के बाद धीरे धीरे वो ग्रह पृथ्वी जैसा बन जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्स के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि फिक्शन में किसी भी काम को करना बहुत आसान है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या हम मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर सकते हैं? अगर सीधा सिंपल जवाब दिया जाए तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन क्या ये करना आसान होगा? ऐसा करना आसान तो नहीं होने वाला। इसके 5 बड़े कारण हैं। ये कहा जाता है कि अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है तो आपको प्रॉब्लम्स को ठीक से समझना चाहिए, और ये 5 बड़े कारण टेराफॉर्म के समय में हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे जरूरी है मार्स का एटमॉस्फेयर। हम पृथ्वी पर जीवन जी पा रहे हैं क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। पृथ्वी पर जहाँ 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, वहीं मार्स पर सीधे सीधे 95% कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स के पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन है। यानी कि मंगल ग्रह पर ली गई एक भी सांस इंसानों के जीवन की आखिरी सांस साबित होगी। इसके बाद मार्स की दूसरी दिक्कत है यहाँ का तापमान। लोगों का सामान्य तौर पर मानना यही होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा वो उतना ही ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन मार्स के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ दिन में तापमान गर्मियों जैसा होता है और रात होते ही वहाँ -70 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब अगर ये मान लिया जाए कि ऑक्सीजन पंप करके और तापमान को रेगुलेट करके किसी भी तरह से मार्स के सर्विस को इंसानों लायक बनाया जाए, तो उसके बाद दूसरा चैलेंज है डस्ट का। मार्स के सर्विस पर इतनी डस्ट है कि कोई इंसान अगर 1 घंटे तक सांस लेता है तो उसके फेफड़े मिट्टी की थैली में बदल जाएंगे। और इस डस्ट की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा जहरीली मानी जाती है। अगर ये सिर्फ आपके शरीर के संपर्क में भी आ जाए तो ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप इन तीनों से बचते हैं तो आपको रेडिएशन वहाँ रहने नहीं देगी। आपको ये पता ही होगा कि किस तरह से हमारी दुनिया में अल्ट्रावायलेट रेज एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ओजोन लेयर अभी रिपेयर की जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा ग्रह जहां इस तरह की लेयर ही ना हो, वहां क्या होगा? अगर एक लाइन में कहा जाए तो अपने स्पेस सूट से निकलते ही आपका खून खोलने लगेगा और वो मांसपेशियों को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। ये डरावना है, लेकिन सच्चाई यही है। और आखिरी में अगर 5वें कारण की बात करें तो वो है फूड की अवेलेबिलिटी। इन चारों फैक्टर्स को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि आज के समय में मार्स पर खेती करना लगभग नामुमकिन है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हमें मार्स पर ही क्यों जाना है?
इस सवाल के बारे में वैज्ञानिकों ने भी काफी समय तक रिसर्च की और इसके बाद जवाब ये निकल कर आया कि मार्स की हैबिटेबिलिटी का स्कोर 100 में से कम 90 है, जो कि दूसरे ग्रहों के साथ बहुत कम है। अब इसके पीछे रीजन बहुत सॉलिड है। पहला तो ये है कि वहाँ पानी मौजूद है और उसे रिवाइव किया जा सकता है। दूसरा रीजन है मार्स का कोर, जो कि अपने मैग्नेटिक पुल भले ही खो चुका है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में अगर सही से उपयोग किया जाए तो टेराफॉर्म करने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा है वहाँ का एटमॉस्फेयर। अभी तक वीडियो में आपने ये कई बार सुना होगा कि मार्स के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाए तो मार्स के पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसे एटमॉस्फेयर की तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर पूरी तरह से CO2 की डोमिनेंस है। लेकिन अगर वैज्ञानिक चाहें तो उस डोमिनेंस को यूज किया जा सकता है और CO2 की जगह पर ऑक्सीजन को लाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे होगा ये टेराफॉर्मेशन। इस पर कई सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं, चाहे वो नासा का सॉल्यूशन हो या फिर एलोन मस्क का सॉल्यूशन। इन 5 प्रॉब्लम्स को हर किसी ने अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। सबसे पहले एलोन मस्क के तरीके की बात करते हैं, क्योंकि एलोन मस्क ने ये टारगेट बनाया है कि ये 2050 तक हो जाएगा। मस्क का कहना है कि मार्स के टेराफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले वो मार्स तक जाने के लिए लगने वाले समय को कम करेंगे। आज के समय में अगर मान लिया जाए कि आप मार्स पर जाना चाहते हैं और आपके पास एक स्टैंडर्ड स्पीड है जिस स्पीड से हम चांद पर गए थे, तब आपको 9 से 10 महीने लग जाएंगे। ये टाइम ड्यूरेशन जितनी कम होगी, मार्स का टेराफॉर्मेशन उतना आसान होगा और इसलिए मस्क के प्लान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि वो इस टाइम ड्यूरेशन को कम से कम करके 2 महीने पर ले आएंगे और इसके बाद यहाँ से कई लोगों को भेजेंगे जो इस टेराफॉर्मेशन को शुरू करेंगे। लेकिन इस प्लान की टेक्निकलिटीज क्या है? कई एस्ट्रोनॉमल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मस्क एक डेल्यूशनल इंसान है, जो कि लोगों की लाइमलाइट के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद मस्क की तरफ से जो टेक्निकलिटीज बताई गई उसने सभी को हैरान कर दिया। मस्क ने बताया कि वो मार्स पर परमाणु बम गिराने के बारे में सोच रहे हैं और इससे मार्स को कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो मार्स का तापमान है वो स्टेबल हो जाएगा। उसकी जो रेंज मौजूदा समय में 100 की है वो 10 की हो जाएगी, यानी कि 10 डिग्री ज्यादा या कम। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर को रीडिजाइन कर सकते हैं। परमाणु बम का मार्स पर फटना ये एश्योर करने की वहाँ का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट की चपेट में आ जाए। अब ये सुनकर आपको सिर्फ नेगेटिव आउटकम ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने बताया कि मार्स पर सिर्फ एक ही तरह की गैस डोमिनेंस है। जब इस डोमिनेंस को खत्म किया जाएगा तो एटमॉस्फेयर को साफ करना ज्यादा आसान हो जाएगा और इस सफाई के दौरान पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। परमाणु बम डस्ट पार्टिकल्स को भी एरिया से हटाने में मदद करेगा और आगे जाकर अगर एक भी जगह इंसान अपनी कॉलोनी बनाने में सफल रहते हैं तो वो पूरे प्लेनेट पर कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मस्क के इस प्लान को सुनने के बाद हर कोई हैरान था। हालांकि ये सफल होगा या नहीं इस बात की कोई एश्योरिटी नहीं है, लेकिन उनके प्लान के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि ये प्लान 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और अप्लाई किए जाने लायक है। दोस्तों, अगर मस्क का प्लान आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो नासा का प्लान भी आपको हैरान कर देगा। नासा और यूरोप स्पेस एजेंसी मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर मार्स पर बहुत से स्पेस शटल्स और मिशंस को भेजा जाएगा। थ्योरी ये है कि ये जो स्पेस शटल्स और मिशंस होंगे वो पूरी तरह से साफ सुथरे होंगे, उन पर एक भी बैक्टीरिया नहीं होगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा और जब वो लौट कर आएंगे तब उन्हें दोबारा से एक्समाइन किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या मार्स से वो शटल या रोवर किसी भी बैक्टीरिया को साथ लेकर आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफी अजीब प्लान है, लेकिन दोस्तों ये प्लान सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दुनिया की लगभग हर स्पेस एजेंसी का ये मानना है कि मार्स पर बैक्टीरिया के मौजूद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक समय पर 3-4 बिलियन ईयर पहले जब मार्स अपने पानी और अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खो रहा था, तब मार्स के बैक्टीरिया उसकी कोर की तरफ शिफ्ट कर गए थे। स्पेस एजेंसी का ये मानना है कि अब अगर उन्हें ढूंढ निकाला जाए तो उनकी और अपने बैक्टीरिया की मदद से ये ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जो मार्स पर पृथ्वी जैसा वातावरण क्रिएट करने में मदद करे। कुल मिलाकर ये प्रोसेस भी फुल प्रूफ है, लेकिन इसको सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा दिन लगने वाले हैं। लेकिन आखिर में ये कहा जा सकता है कि हम मार्स को टेराफॉर्म करने के प्लान की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, ये जानते हुए कि मंगल पर कुछ भी मंगल नहीं है और वहाँ किसी भी इंसान की पहली सांस आखिरी सांस हो सकती है। वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे,
चाहे वो स्पेसएक्स में हो या नासा में। वैसे आपको क्या लगता है, इंसानों का दूसरी पृथ्वी बनाने का सपना क्या मार्स के जरिए पूरा हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।